हाउ टू प्ले थ्रोट वाइब्राटो ऑन अ हार्मोनिका, इस विषय पर पहले भी वीडियो बनाया था, आज भी सेम विषय पर वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा डीप डाइव करेंगे मेथड को और डिटेल्स में डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इसको हम एक डायटोनिक हार्मोनिका पर मास्टर करें। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये वाइब्राटो होता क्या है। तो वाइब्राटो का मतलब है पिच वेरिएशन जो हम रिदमिकली एक ताल के साथ एक कांस्टेंट स्पीड से करते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल वोकलिस्ट यानी सिंगर्स भी करते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के म्यूजिशियंस जो हैं वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर वाइब्राटो बजाते हैं अपने गानों में ज़्यादा फील, ज़्यादा इमोशंस लाने के लिए। तो देखते हैं उसको हम हारमोनिका पर कैसे बजाएं। हमको हारमोनिका पर किसी भी किस्म का पिच वेरिएशन लाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है जो एयर प्रेशर हम डालते हैं हारमोनिका की रीड्स पर, उसको मैनिपुलेट करना, उसको वेरी करना, विच लीड्स टू चेंज ऑफ पिच। वो हम किस तरह से करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको हारमोनिका को अपने मुंह से लगाना है और हमारे होठों का शेप जो है वो एकदम राउंड विस्लिंग शेप होना चाहिए। हमारे होठ एक बार हमने हारमोनिका पर प्लेस कर दिए उसके बाद हमको उनको टाइट कर लेना है, अपने जॉ को भी टाइट करना है, अपने जो गाल हैं हमारी जो चीक्स हैं उनको भी टाइट कर लेना है और वो काफ़ी टाइट होना चाहिए। उसके बाद हम हवा को अंदर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से विद अ लिटिल मोर प्रेशर, थोड़े ज़्यादा प्रेशर के साथ अंदर कांस्टेंटली सक करेंगे कुछ इस तरह से। ध्यान रहे ऑन अ डायटोनिक हार्मोनिका होल नंबर 4 ड्रॉ, ध्यान से देखिए। अभी मैंने एक लंबा ड्रॉ बजाया, सी हार्मोनिका पे आपका डी नोट हुआ यानी सा के बाद वाला रे, दिस इज अ ड्रॉ नोट। ऐसा करते टाइम मैंने अपना ये जो पूरा जबड़ा है, गाल है, होठ है, उनको काफी टाइट कर लिया है और अपनी जीभ को अपने मुंह की ऊपरी सतह से पैरेलली प्लेस कर लिया है। वहां पर भी हमको हवा को थोड़ा सा कंप्रेस कर लेना है ताकि जब अंदर मुंह के हम हवा लें, जब वो हवा पास होती है तब वो एक प्रेशर के साथ पास हो। उसके बाद वही टाइटनेस बरकरार रखते हुए हमको अपनी जीभ को ऊपरी सतह से टच करना है उस तरह से कि हवा दबे, प्रॉपरली हवा दबे, फिर उसको रिलीज करते हुए वापस आना है, फिर कंप्रेस करना है, फिर रिलीज करना है और उस दौरान हमको हेल्प करेंगे हमारे जॉज, जॉ मूवमेंट जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो अब उसको अच्छी तरह से देखिए। आपने देखा पिच वेरिएशन होना चालू हो गया है। आप ऐसा करते टाइम अगर आपको पिच वेरिएशन नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि आपने वो जो प्रेशर या टेंशन है वो अभी तक एडिक्वेटली क्रिएट नहीं किया है। तो प्रेशर को बढ़ाइए अंदर की तरफ, थोड़ा तेजी से हवा को खींचिए और अपने मुंह को एकदम टाइट रखिए और अपनी जीभ से उस हवा को कंप्रेस कीजिए। ऐसा करते टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो अपने लिप्स को भी दबाइए। तो इस वक्त तीन चीज़ों को आप प्रेस कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, नंबर 1 लिप्स, नंबर 2 अपनी टंग यानी जीभ
और नंबर थ्री आपका ये जो जॉ है उसको। अब उसी चीज को अगर हम थोड़ा फास्ट स्पीड में रिदमिकली करेंगे तो ऐसा सुनाई देगा। जब आपको इस तरह का इफेक्ट मिलने लगे तो प्रोग्रेसिवली जीभ के पिछले वाले हिस्से तक ये कॉम्प्रेशन ले जाइए। यानी जो शुरुआत में आप इस्तेमाल कर रहे थे जीभ का आगे वाला हिस्सा, अब आपको इस्तेमाल करना है प्रोग्रेसिवली जीभ का पिछला हिस्सा। जितना पीछे तक आप जा सकें, एक लेवल तब आएगा जब आप बहुत पीछे तक पहुंच जाएंगे, यानी अपने थ्रोट तक। जब थ्रोट तक पहुंच जाएंगे तो आपको वही चीज थोड़ी अलग सुनाई देगी और ज्यादा वेल डिफाइंड सुनाई देगी। सुनिए। ऐसा करने पर आपको ये जो हिस्सा है उसका मूवमेंट भी नोटिस आएगा। तो ये तरीका होता है थ्रोट वाइब्रेटो बजाने का। इस्तेमाल कहाँ करें? जहां पर भी लॉन्ग ड्रॉ नोट्स हों, जहां पर आप किसी भी नोट को थोड़ा लंबे टाइम तक सस्टेन करते हैं, उस टाइम उनमें इमोशन डालने के लिए हम थ्रोट वाइब्रेटो का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सुंदर सुनाई देता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल शोले मूवी की हार्मोनिका ट्यून, चलिए उसको बजाते हैं। अब मैं थ्रोट से इस वेरिएशन को पैदा कर रहा हूं। अब मेरा जॉ यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, ना ही मेरी जीभ इन्वॉल्व है। इस वक्त मेरा गला इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है जीभ से लेकर गले तक पहुंचने का, इसमें कई बार हफ्तों या कभी तो महीनों भी लग जाते हैं। लेकिन आप फ्रॉम द फर्स्ट डे अगर सही प्रेशर, सही टेंशन मेंटेन करते हैं तो जीभ का इस्तेमाल करके वाइब्रेटो को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये टेक्निक? अगर आपको इस टेक्निक के इस्तेमाल से कुछ फायदा होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।